क्वेश्चन है, दो अलग अलग किस्म की रॉड्स हैं, एक का कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा वन, एक का अल्फा टू। मैं चाहता हूं कि एक ही रॉड हो और उसका अफेक्टिव अल्फा निकाला जाए, और जो कि सेम काम करे जो दो रॉड्स मिलके करती हैं। दो रॉड मिलके क्या करती हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, इसकी भी लेंथ इंक्रीज होती है और इसकी भी होगी। तो इन दोनों ने जितनी लेंथ इंक्रीज की मिलके, वही अगर अकेली कर दे तो बात एक ही है, तो दो की जगह एक ही रॉड लगा दो। तो ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। पहले हम फर्स्ट रॉड लेंगे L1 एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीज किया T, तो लेंथ होगी L1 डैश। तो L1 डैश क्या होगा, L1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू T, तो L1 वेंट L1 डैश की वैल्यू आ गई। सेकेंड रॉड के लिए सेम रिलेशन, L2 डैश L2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू T, दोनों को मिला लो तो नई लेंथ क्या होगी दोनों की, L1 डैश प्लस L2 डैश, दोनों को ऐड किया, ऐड करके कॉमन निकाल लिया, इक्वेशन नंबर वन। ये क्या आ गया, दोनों की नई लेंथ आ गई एट टी डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। अब वो कहता है ऐसा करने की बजाय एक काम करो, आप टोटल लेंथ ले लो, अलग अलग ऐड करने की बजाय टोटल लेंथ ले लो L1 प्लस L2, और आप टेम्परेचर T इंक्रीज कर दो, तो नई लेंथ क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा इंटू टी, अफेक्टिव इंटू टी। तो ये भी नई लेंथ है, ये भी नई लेंथ है, दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करके क्या आएगा अल्फा अफेक्टिव। आप एक काम करो, बॉक्स में सिर्फ इसका फॉर्मूला याद कर लो, मेथड तो चलो कोई बात नहीं, सीधा फॉर्मूला याद करेंगे। अल्फा अफेक्टिव इज एल वन अल्फा वन प्लस एल टू अल्फा टू अपॉन एल वन प्लस एल टू। कॉम्पिटिशन के लिए एनसीईआरटी में नहीं आएगा ये, तो सीधा ऑब्जेक्टिव मार्क करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के बाद ये क्वेश्चन आएगा, सीधा ऑब्जेक्टिव मार्क होगा। मेथड मैंने बता दिया कैसे करना है, अदरवाइज आप सीधा ही मार्क कर लेना। कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन देखें, गिवन ऑल्टीट्यूड एच नॉट विल रिमेन सेम, वो कह रहे हैं तीन रॉड्स हैं, एक L, L और L, और दो रॉड सेम मटेरियल की हैं अल्फा वन अल्फा वन, और दूसरी अलग मटेरियल की हैं अल्फा टू। तो हाइट इसकी एच नॉट है परपेंडिकुलर। तो कह रहे हैं अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज भी कर दिया तीनों रॉड्स का तो भी एच नॉट विल रिमेन सेम। तो आप रेशियो निकालो अल्फा वन अल्फा टू का। एक काम करो, आप पहले एक्सपेरिमेंट करो एट जीरो डिग्री सेल्सियस, कोई टेम्परेचर इंक्रीज ना करो। तो क्या होगा, L और L by 2, तो पाइथागोरस से क्या होगा, H not क्या होगा, under root of L square minus L by 2 का होल स्क्वायर आंसर। फिर एक काम करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये लेंथ क्या बन जाएगी, L into 1 plus alpha 1 into टेम्परेचर चेंज ये रहा, और ये लेंथ क्या बनेगी, L by 2 into 1 plus alpha 2 into टेम्परेचर ये रहा। तो नई लेंथ आ गई, लेकिन H not में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो फिर पाइथागोरस से फिर एच नॉट क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये देखो यही किया हुआ है, इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। तो एक काम करो, ये एल का स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, एल स्क्वायर बाय फोर इसका स्क्वायर, तो ये एच नॉट आ गया, ये भी एच नॉट आ गया, ये भी एच नॉट आ गया, दोनों को इक्वेट कर लो, अंडर रूट कट जाएगा, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, सिंप्लीफाई करो सब कट जाएगा, अपने आप आंसर अल्फा वन अल्फा टू का आंसर आ जाएगा। नॉट फॉर स्कूल, स्कूल क्यों नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है। फिर से पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है? रॉड के ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रिलेशन है, इसी में व्हेन टेम्परेचर ऑफ द रॉड इंक्रीजेस फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ गया बाय डेल्टा टी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ गया। वो क्यों, जब टेम्परेचर बड़ा होगा तो रेडियस भी बढ़ा, और जब रेडियस बढ़ा तो वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ा। तो कह रहे हैं कि डेल्टा आई बाय आई निकाल दो, तो क्या करना है आपने, वो रहने देना, सीधा इसको देखना, I का फॉर्मूला रॉड का क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, एरर का रूल लगाओ, डेल्टा I बाई आई, एम और 12 तो कॉन्स्टेंट है, 2 इंटू डेल्टा L बाई एल, और डेल्टा L को क्या पुट कर सकते हैं, L इंटू एल्फा इंटू डेल्टा T, तो L से L कैंसल आंसर।
ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको करने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मार्क करना। समझ में आ रहा है कैसे करना है? इसमें कुछ भी नहीं, एरर का रूल लगाया, डेल्टा एल की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। A uniform circular disc mounted on a frictionless bearing is rotating at an angular frequency of omega. एक disc rotate कर रही है with omega. ठीक है? Alpha given है, मतलब expansion का coefficient given है, temperature delta T बढ़ा दिया. Angular frequency of rotation of the disc decreases by this amount, ये prove करो. वैसे objective है तो इसका option है decreases by this amount. एक बात बताओ, ओमेगा से डिस्क घूम रही है, ठीक, हमने रोटेशनल मोशन किया था। अगर डिस्क घूम रही है और मैंने कुछ उसमें एक्सटर्नल टॉर्क तो लगाया नहीं, तो मैंने सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, किस पे असर पड़ेगा? रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ेगा तो आई बढ़ जाएगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई इंटू ओमेगा किसी भी घूमती हुई डिस्क के लिए इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो टेम्परेचर बढ़ने से आई बढ़ेगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा, तो आंसर डिक्रीज में तो पक्का है। तो कितना डिक्रीज होगा भाई? डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा मुझे निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आई ओमेगा इज ए कॉन्स्टेंट, इसको तो मैंने लंबे तरीके से किया पहले, पर आपको यह करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें डेल्टा ओमेगा चाहिए। आप एक शॉर्टकट लिखें इसमें सीधा, यहाँ पे इसकी इसको ये पूरा कुछ एक लाइन में खत्म हो जाएगा। आप लिखें आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट, आप एरर का रूल लगाएं, डेल्टा आई बाय आई प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इज जीरो। याद है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो रिलेटिव एरर ऐड होते हैं, तो डेल्टा आई बाय आई, डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा, और कॉन्स्टेंट में एरर होता ही नहीं। तो यहां से क्या आ गया, डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इज माइनस डेल्टा आई बाय, ये जितने मैंने स्टेप लिखे सब हट जाएंगे, एक ही स्टेप में आंसर आ गया, राइट? तो ये स्टेप क्लियर है, याद रख लोगे ये सारा? तो डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इज माइनस डेल्टा आई बाय आई, तो मेरे को डेल्टा ओमेगा निकालना है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा आई बाय आई। एक काम करते हैं, डेल्टा आई, आई का फॉर्मूला डिस्क का क्या होता है, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर। तो एरर का रूल क्या है, डेल्टा आई बाय आई, हाफ एम को छोड़ दें, टू इंटू डेल्टा आर बाय आर। तो डेल्टा आर को लेंथ की जगह, जैसे डेल्टा एल को क्या लिखते थे, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, ऐसी रेडियस भी तो मीटर में होता है, लेंथ ही है, तो डेल्टा आर की जगह आर इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, आर से आर कैंसिल, क्या आ गया डेल्टा आई बाय आई। इस डेल्टा आई बाय आई को ऊपर यहां पुट कर दें, तो ओमेगा राइट साइड पे चला गया, आंसर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डिक्रीज आंसर। आर का तो कुछ भी नहीं, डेल्टा आर की जगह सीधा लिख दिया, वो तो करके दिखाया है सीधा, इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको तो वैसे ही पता है आर इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी।
तो आइडिया समझ में आ रहा है कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक, ये तो सॉलिड के ऊपर थे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, पढ़ना एक बार, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन में दो रॉड्स हैं, एक एल्यूमिनियम की और दूसरी कौन सी है, स्टील की, और लेंथ एक की L1 है और एक की L2 है, कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल रॉड L1 प्लस L2। कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और अल्फा एंड स्टील गिवन है। वो कह रहा है लेंथ इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है चाहे आप पहली रॉड को इंक्रीज करो डेल्टा एल लो, चाहे दूसरी रॉड का लो, डेल्टा एल दोनों में सेम है। तो एक एल्यूमिनियम और एक स्टील के लगा दिया, डेल्टा टी सेम है, यहाँ से रेशियो आ गई α1 और α2 की, पर आपको ये निकालना ही नहीं, आपको तो ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, 1 को ऐड कर दो दोनों तरफ, 1 को ऐड करोगे तो ये टर्म आ गई, आपको ये भी नहीं निकालना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ गया, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको दिखेगा क्वेश्चन। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन में तभी आपको लगाना आएगा। ये सॉलिड के ऊपर था, लिक्विड के ऊपर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, ओनली कॉम्पिटिशन में आते हुए दिखेंगे आपको, एनसीईआरटी में तो दिखेंगे नहीं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको लिक्विड के ऊपर, मरकरी इज इन ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ L0। मरकरी है ट्यूब के अंदर है, और मरकरी की लेंथ कितनी है, L0 है, और ये ट्यूब है, इसका बेस का एरिया कितना है, A0 है, और एट टेम्परेचर टी एट 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है। अब वो कह रहे हैं लिक्विड है जो मरकरी है उसका क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा है, जब वो फैलेगी तो गामा यूज कर सकते हो, और सुपरफिशियल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन अल्फा और बीटा है। अल्फा मरकरी का तो होगा नहीं, मरकरी तो वॉल्यूम में एक्सपेंड होगी, लेंथ थोड़ी ना होती है, ये ट्यूब की गिवन है। लेंथ के लिए अल्फा और एरिया के लिए बीटा कैन बी यूज्ड, अल्फा बीटा, क्योंकि यहां पर एक्सपेंशन दो चीजों की हो रही है, वेसल की भी हो रही है, ट्यूब की भी हो रही है, और मरकरी की भी होगी। कह रहे टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, तो मरकरी की लेंथ में क्या चेंज आया ये बताओ, नई लेंथ क्या होगी ये बताओ। रूल नंबर 1, सबसे पहले इसका जो अंदर का वॉल्यूम है मरकरी का वो क्या है, एरिया इंटू लेंथ एट 0 0 0 डिग्री सेल्सियस। तो एल एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या बना, V0 / A0, क्लियर है। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 0 की जगह TTT हो गया, लेंथ मुझे T पे निकालनी है, तो वॉल्यूम एट T एंड एरिया इन T, वॉल्यूम T पे क्या होगा मरकरी का, V0 1 प्लस गामा इंटू T, और जो बेस का एरिया है A0 1 प्लस बीटा इंटू T, क्योंकि एरिया में बीटा यूज होता है। अब इसमें V0 / A0 की जगह L0, V0 / A0 की जगह L0, न्यूमिनेटर ऐसे ही, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा -1। बीटा के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर नहीं मिलेगा, अल्फा में मिलेगा, कोई बात नहीं, बीटा को रिप्लेस करो 2α, और एंड में एक बाइनोमियल लगेगी, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा। तो लिक्विड की एक्सपेंशन की प्रॉब्लम्स ऐसी होती है।